वेलकम टू द बिजनेस स्टडीज क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट एट स्मॉल बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन स्मॉल बिजनेस किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री लाइक डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंडिया इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ पर क्या है लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है तो यहाँ पर ऐसे बिजनेस का रोल ज़्यादा है ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ हो और मशीन्स का यूज़ कम हो क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और साथ साथ कंट्रीब्यूट करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पिछले कुछ सालों में स्मॉल बिजनेस में एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स उन्होंने क्या की है तैयार की है जिसमें कंज्यूमर गुड्स से लेकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक के गुड्स उन्होंने क्या किए हैं प्रोड्यूस किए हैं तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए इंडिया आ, इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया है फाइव ईयर प्लान में इन्हें स्पेशल अटेंशन दी अब स्मॉल बिजनेस क्या है स्मॉल बिजनेस को कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर डिफाइन किया गया है उसमें से कुछ पैरामीटर्स हैं वॉल्यूम ऑफ़ कैपिटल इन्वेस्टेड कि बिजनेस में कितना कैपिटल कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है वैल्यू ऑफ आउटपुट जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी क्या वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना प्रोडक्शन किया गया है नंबर ऑफ वर्कर्स उसमें कितने वर्कर्स काम करते हैं तो इस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि जो कोई बिजनेस इंटरप्राइज है वो स्मॉल इंटरप्राइज़ है या लार्ज इंटरप्राइज है इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फिफ्टीन के में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कैसे डिफाइन किया गया है एनी इंटरप्राइज विच एम्प्लॉज़ नॉट मोर देन फिफ्टी परसेंट वैन यूजिंग पावर कोई बिजनेस इंटरप्राइज जिसमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो फिफ्टी से ज़्यादा ना हो और यूजिंग पावर और वो पावर यूज़ कर रही है मीन्स मशीन्स यूज़ कर रही है एंड हंड्रेड वैन नॉट यूजिंग पावर और हंड्रेड से ज़्यादा नहीं है जब वो क्या कर रही है पावर यूज़ नहीं कर रही है और कैपिटल जो एसेट्स हैं वो कितनी है फाइव लैख से ज़्यादा नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे लेकिन ये डेफिनेशन बहुत पुरानी डेफिनेशन जो नाइनटीन फिफ्टी वन में दी गई थी इसके बाद इस डेफिनेशन को कई बार रिवाइज किया गया है नाइनटीन फिफ्टी नाइन में नाइनटीन सिक्सटी में नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में नाइनटीन सेवेंटी फाइव में नाइनटीन एटी में और नाइन्टीन नाइन्टी में ठीक है लेकिन प्रेजेंटली एम एस एम ई डी एक्ट टू थाउजेंड सिक्स अब एम एस एम ई डी क्या है एम एस एक्ट एम ई डी मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्ट टू थाउजेंड सिक्स के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन किया गया स्मॉल बिजनेस को इट इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउ एम एस एम ईडी एक्ट के अंडर जो इंटरप्राइज है उसको टू गया है मैनुफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज इंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज मीस जो कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सर्विस इंटरप्राइज मीज जो सर्विस मैनुफैक्चर कर रही है सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बेसिस पर क्या किया गया है डिफाइन किया गया है स्मॉल स्मॉल माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइज में तो लेट अस सी हाउ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टोटल ट्वेंटी फाइव लैख है मैक्सिमम मीन्स फाइव लैख से ट्वेंटी फाइव लैख से ज्यादा नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे माइक्रो इंटरप्राइज कहेंगे सेकेंड कैटेगरी है कि अगर इन्वेस्टमेंट है ट्वेंटी फाइव लैख से ज़्यादा लेकिन मैक्सिमम फाइव करोड़ तक मीन्स फाइव करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो उसे कहेंगे हम स्मॉल इंटरप्राइज और थर्ड कैटेगरी है कि अगर इन्वेस्टमेंट कितना है फाइव करोड़ से ज़्यादा है लेकिन अप टू फिफ्टीन करोड़ है मीन्स फिफ्टीन करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो उसे हम कहेंगे मीडियम इंटरप्राइज ये हमने बात की मैनुफैक्चरिंग इंटरप्राइज की अब हम देखते हैं सर्विसेज इंटरप्राइजेज में सर्विसेज इंटरप्राइज में अगर इन्वेस्टमेंट है अप टू फिफ्टीन लाख रुपीस मीस फिफ्टीन लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसे हम कहेंगे माइक्रो इंटरप्राइज सेकेंड कैटेगरी है अगर इन्वेस्टमेंट है फिफ्टीन लाख से ज़्यादा लेकिन टू करोड़ रुपीस तक मीस टू करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो उसे हम कहेंगे स्मॉल इंटरप्राइज एंड लास्ट कैटेगरी इज कि इन्वेस्टमेंट इज़ बिटवीन टू करोड़ टू फाइव करोड़ मीन्स टू करोड़ से ज़्यादा है लेकिन फाइव करोड़ से ज़्यादा नहीं है मीन्स मिनि मैक्सिमम फाइव करोड़ है तो उसे हम कहेंगे मीडियम इंटरप्राइज तो लाइक दिस एम एस एम डी एक्ट टू थाउजेंड सिक्स में इंटरप्राइजेज को टू कैटेगरीज में डिफाइन डिवाइड किया गया है मैनुफैक्चरिंग इंटरप्राइज और सर्विस इंटरप्राइज और मैनुफैक्चरिंग इंटरप्राइज और सर्विसज इंटरप्राइजेज को फर्दर डिवाइड किया गया ऑन द ऑफ इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया तो दिस इज द लेटेस्ट डेफिनेशन गिवन बाई एमएसएमडी एक्ट टू थाउजेंड सिक्स नाउ वी विल सी वट इज द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया कंट्री लाइक इंडिया दैट इज अ डेवलपिंग कंट्री इसकी क्या इंपॉर्टेंस है स्मॉल बिजनेस की एज वी नो कि कंट्री क्या है कंट्री ऑफ इंडिया क्या है कंट्री ऑफ विलेज़ है जहाँ पे जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जो आर्टिसंस हैं जो कारीगर लोग हैं उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है रिसोर्स की स्केर रहती है तो इस सिचुएशन में कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट कैसे होगा तो इनके डेवलपमेंट के लिए एक ही सॉल्यूशन है स्मॉल स्केल बिजनेस स्मॉल स्केल बिजनेस के डेवलपमेंट से ही क्या होगा कि एस्टेब्लिशमेंट से क्या हो सकता है रूरल इंडिया का इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है तो देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है इंडिया में फर्स्ट इज मोर एम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है लेबर बहुत ज़्यादा है ठीक है लेबर अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लेकिन कंपेटिवली एम्प्लॉयमेंट कम है और जो इसकी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है फार्मिंग पे डिपेंड है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है तो एग्रीकल्चर भी क्या है पूरा साल एग्रीकल्चर नहीं किया जाता फार्मिंग का, का काम भी क्या होता है साल के कुछ महीनों में ही होता है तो उन उस टाइम में तो ये लोग बिज़ी रहते हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है लेकिन जब एग्रीकल्चर वो नहीं कर रहे होते फार्मिंग नहीं कर रहे होते तो उस पीरियड में वो क्या होते हैं फ्री होते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता तो स्मॉल बिजनेस क्या करता है एम्प्लॉयमेंट देता है इस तरह के लोगों को जो फार्मिंग पे डिपेंड है और जो ईयर में कुछ मंथ क्या रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता तो उनके लिए क्या करता है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ स्मॉल स्केल बिजनेस एस्टैब्लिश होने से कंट्री uh, की क्या इंक्रीज होती है इकनॉमिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है वो कैसे होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के बिजनेस में जो कैपिटल चाहिए वो हमें कैपिटल जो अदर और अदर सोर्सेज चाहिए वो बहुत ही कम चाहिए होते हैं लिमिटेड चाहिए होते ठीक है ठीके? क्योंकि जो बड़े बिजनेस होते हैं उसमें क्या है ज़्यादा कैपिटल चाहिए ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए लेकिन जो स्मॉल बिज़नेस होते हैं वो हम क्या कर सकते हैं कम कैपिटल से लिमिटेड रिसोर्सेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं दूसरा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का रीज़न क्या है कि ये इम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है जो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो क्या कर सकते हैं स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं इस्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट कर सकते हैं तो जब क्या हो गई जब बहुत ज़्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इस तरह से जो स्मॉल स्केल बिजनेस हैं वो क्या करते हैं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी फॉर आर्टिसंस अब आर्टिसंस क्या होते हैं जो कारीगर लोग होते हैं जिनके पास कुछ आर्ट होता है ठीक है लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है कुछ किसी स्पेशल फील्ड में वो एक्सपर्ट तो हैं कुछ बनाने में एक्सपर्ट हैं कुछ हाथ का काम करने में एक्सपर्ट हैं वो ठीक है लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो अगर वो क्या कर लें अपनी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर लें तो उन्हें क्या मिलेगा अपनी जो उनके अंदर जो एबिलिटी है जो उनके अंदर जो स्किल्स हैं उसको शो करने का क्या मिलेगा एक अच्छी ऑपरचुनिटीज़ उन्हें मिलेंगी जो उनकी स्किल्स है वो भी क्या होंगी लाइमलाइट में आ जाएंगी तो इस तरह से जो कारीगर लोग हैं जिनके पास कोई स्पेशल आर्ट है जो किसी जिसकी किसी स्पेशल फील्ड में कोई एक्सपर्ट है तो वो क्या कर सकता है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अपनी स्किल्स को लाइमलाइट में लाने के लिए नेक्स्ट पॉइंट इज़ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो स्मॉल स्केल के बिजनेस होते हैं वो अपने लोकल एरिया के रिसोर्सिस पर ही डिपेंड होते हैं तो इस तरह के जो स्मॉल बिजनेस है वो कहीं भी इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं किसी भी प्लेस पर इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं इवन रिमोट एरियाज में भी क्या किए जा सकते हैं इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं क्यों क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट तो क्या है लिमिटेड सी रिक्वायरमेंट है लिमिटेड उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और वो लोकल रिसोर्स पर ही क्या है अवेलेबल हैं तो इस तरह से क्या होगा जब कई जगह पर सभी जगह पर क्या होंगे स्मॉल बिज़नेस uh, establish किए जा सकेंगे तो क्या होगा बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा ऐसा नहीं होगा कि किस एरिया किसी एरिया का तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोई एरिया बिल्कुल ही अनडेवलप्ड है तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस है उसको इस्टेब्लिश करके किया, क्या किया जा सकता है रीजनल डेवलपमेंट किया जा सकता है और ये बैलेंस किया जा सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है और कहीं डेवलपमेंट कम हो रहा है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करती हैं नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग जब किसी एरिया में स्मॉल बिजनेस स्टैब्लिश होते हैं तो वहाँ पर और तरह की कई तरह की फैसिलिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं लाइक फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वाटर फैसिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है बैंकिंग फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी सब डेवलप हो जाती है तो जब किसी एरिया में स्मॉल बिजनेस स्टेब्लिश होंगे तो वहाँ ये वो अपने साथ क्या लेकर आएगी धीरे धीरे ये सब फैसिलिटीज भी वहाँ पर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएंगी और वहाँ के जो उस एरिया के जो लोग हैं वो क्या कर पाएंगे उन सभी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और जब वो फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएंगे डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या होगा रेज होगा नेक्स्ट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लॉकर रिसोर्सेज कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल होते हैं लेकिन वो आइडल पड़े रहते हैं अनयूज पड़े रहते हैं उनको कोई यूज़ करने वाला नहीं होता जैसे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है लैंड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें एग्रीकल्चर भी नहीं किया जा सकता बैरन लैंड है कोई किसी स्पेसिक टाइप का रॉ मेटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है लेकिन उसको कोई यूज़ ही नहीं है क्यों उसको यूज़ करने का कोई तरीका ही नहीं है वहाँ पर तो अगर वहाँ पर कुछ ऐसी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इस्टैब्लिश कर दी जाएँ जो जो लेबरर्स को यूज़ कर सकें उस लैंड को यूज़ कर सकें उस रॉ मटेरियल को यूज़ कर सकें जो अब तक तो यूज़ ही नहीं हुआ तो इससे क्या होगा जो रिसोर्स वहाँ अवेलेबल है वो भी यूज़ हो जाएगा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाएगी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा उस एरिया का डेवलपमेंट भी हो जाएगा तो सभी बेनिफिट मिल जाएंगे एक ही काम से एक ही तीर से हम कई निशाने लगा सकते हैं उस एरिया के लोकल रिसोर्स को भी प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं जो कि बेकार थे अब तक वेस्ट हो रहे थे और उस एरिया को डेवलप भी कर सकते हैं नेक्स्ट इज लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में क्योंकि जो मोस्टली पॉपुलेशन होती है वह एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है तो अगर स्मॉल बिजनेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे तो जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस है पॉपुलेशन की वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि कुछ लोग क्या कर सकते हैं स्मॉल स्केल बिज़नेस में बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं वहाँ से उन्हें क्या मिल सकता है एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है और जो बाकी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर कर सकते हैं तो एग्रीकल्चर पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कई बार हम क्या देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड है वो तो बहुत कम है लेकिन उस पर काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जिस जितने की जरूरत भी नहीं है तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है मींस क्या है एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है लेकिन वहां पर क्या है एक तरह से जितने बिकॉज अननेसेसरी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई और काम ही नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं डिस्काइज एम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि किसी स्पेसिफिक काम में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो उससे आउटपुट तो ज़्यादा नहीं आएगी ठीक है तो उसको हम डिसम्प्लॉयमेंट कहते हैं तो स्मॉल स्केल बिजनेस अगर इस्टेब्लिश किए जाते हैं तो जो एग्रीकल्चर पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा एग्रीकल्चर पर सिर्फ उतने ही लोग काम कर सकते हैं जितनी वहाँ पर रिक्वायरमेंट है एंड अदर पीपल दे कैन गो विद स्मॉल बिजनेस और वहाँ से क्या कर सकते हैं वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं एक डाटा के अकॉर्डिंग सर्वे के अकॉर्डिंग कि अप्रोक्सीमेटली थर्टी लैख पीपल जो हैं वो क्या हैं एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इंडिया में तो देखिए एग्रीकल्चर पर कितना ज़्यादा प्रेशर है तो इस प्रेशर को कैसे कम किया जा सकता है स्मॉल स्केल बिज़नेसेस किया जा सकता है नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि जो इनकम है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है क्योंकि अगर सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज ही होंगी तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के हाथ में क्या होगा जो इनकम का मेन पार्ट है उनके हैंड्स में ही रह जाएगा लेकिन अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी इस्टेब्लिश की जा की जाएंगी तो जो इनकम का कुछ पार्ट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के पास भी आएगा उन लोगों को चला उन उनको स्टेब्लिश uh, करने वाले उनमें काम करने वाले लोगों के हाथ में भी आएगा तो उससे जो इनकम है वो सिर्फ बिग इंडस्ट्रीज़ के इंडस्ट्रीज के हाथ में ही कंसनट्रेट होकर नहीं रह जाएगी वो उसका कुछ पार्ट स्मॉल इंडस्ट्री के लोगों के पास भी आएगा जिससे जो रिच और पुअर का जो गैप है वो क्या हो सकता है कम हो सकता है सो लाइक दिस वी हैव सीन कि हाउ स्मॉल स्केल बिजनेस plays an important role in country like india because india is a developing country most of the population is dependent on agriculture too much pressure is there on agriculture okay so it can help a lot for country like india that is a developing country